dear students, this is Neha, your course teacher, and our course title is Principles of Agronomy, and course number is EAS 511. Okay, so our today's topic is irrigation and time and method of irrigation. Okay, so firstly we will discuss the what is irrigation. Okay, so in Hindi we say irrigation like सिंचाई करना, ठीक है, पानी पौधों को वाटर प्रोवाइड करना, पानी देना, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड द इरिगेशन. बट स्पेशली इरिगेशन इज डिफाइंड एज द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द सॉइल फॉर द पर्पस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन सप्लीमेंट टू द रेनफॉल एंड ग्राउंड वाटर कॉन्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो आर्टिफिशियली जब हम पानी प्रोवाइड करते हैं, वाटर प्रोवाइड करते हैं अपने प्लांट ग्रोथ के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, दैट इज़ कॉल्ड द इरिगेशन. ठीक है, मतलब रेनफॉल के डिस्पाइट रेन ऑल रेनफॉल्स वी कैन प्रोवाइड द वाटर थ्रू चैनल, थ्रू लेक्स और पॉन्ड. ठीक है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द इरिगेशन सिस्टम. ओके, सो इम्पॉर्टेंट ऑफ वाटर टू द प्लांट्स, क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, वाटर क्यों जरूरी है हमारे प्लांट में, हम देखते हैं ब्रीफली. सो फर्स्ट पॉइंट इज द प्लांट कंटेन 90% वाटर विच गिव्स टर्जिडिटी एंड कीप्स देम इरेक्टेड. ओके, सो टर्जिडिटी क्या होती है, कि टर्जिडिटी प्रोवाइड करना मतलब मॉइस्चर प्रोवाइड करना हमारे प्लांट के लीव्स पे, स्टेम पे या रूट से. ठीक है, अब जब किसी भी प्लांट की टर्जिडिटी मेंटेन होती है, ठीक है, जब वो चीज़ मेंटेन है, अगर टर्जिडिटी किसी प्लांट की, मतलब उसका एक प्रॉपर शेप होता है, ठीक है, उस प्रॉपर शेप में वो मेंटेन होता है, तो हमको प्लांट में 90% वाटर जब हम देते हैं तो उस प्लांट को वो क्या करता है, स्टेबल रहने के लिए, मतलब कड़ा रहने के लिए या खड़ा रहने के लिए हम कह सकते हैं, क्या होता है, टर्जिडिटी प्रोवाइड कराता है. क्या, कौन प्रोवाइड कराता है, वाटर प्रोवाइड कराता है. ओके, सो वाटर इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म. इट इज़ रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ प्लांट सिस्टम. इट इज़ एसेंशियल टू मीट द ट्रांसपिरेशन रिक्वायरमेंट्स. इट सर्व एज मीडियम फॉर डिजॉल्विंग द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द सॉइल. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट इन फोटोसिंथेसिस. ओके, सो इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर द फूड प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, प्लांट. क्योंकि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, वाटर की अवेलेबिलिटी में जब प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेके वाटर के प्रेजेंस में विद द क्लोरोफिल और सनलाइट लेके क्या करते हैं, जब वो प्रोसेस होता है, केमिकल रिएक्शन होता है या बायोलॉजिकल रिएक्शन होता है, तो क्या होता है, वो फूड प्रोवाइड करते हैं. किसको प्रोवाइड करते हैं, और उससे क्या होता है, O2 गैस रिलीज़ होता है. ठीक है, तो प्लांट अपने से O2 गैस रिलीज़ करते हैं, जिसको हम ह्यूमंस जो है उसे अपटेक करते हैं, और प्लांट इनके साथ ही साथ ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाते हैं. ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसको प्लांट एज अ फूड जो है वो अपने लीव्स में थ्रू द रूट लीव्स में क्या करते हैं, सॉरी थ्रू द लीव्स रूट तक क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. राइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वाटर एंड इरीगेशन. ओके, द नेक्स्ट इज टाइम ऑफ इरीगेशन. सो क्रॉप ड्रॉज वाटर फ्रॉम द मॉइस्चर स्टोर्ड इन अ सॉइल. वेन द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द सॉइल इज लो, देन द प्लांट रिक्वायरमेंट्स आर नॉट मेट विथ. When the soil is supplied with moisture in excess, the supply of air is reduced that limits the plant growth. Okay, so in between there is a range of moisture content that is called as optimum soil moisture range for plant growth. ठीक है, इतना moisture provide करना, हम जब through the artificial water providing प्रोसेस जब हम ये करते हैं, तब क्या होता है, जो भी सप्लाइड मॉइस्चर होता है, ठीक है, वो एक्सेस मॉइस्चर जो भी होता है वो क्या होता है, कम कुछ मॉइस्चर को होल्ड करके रख लेता है. कौन होल्ड करके रख लेता है, सॉइल होल्ड करके रख लेता है. ठीक है, तो ऑप्टिमम मॉइस्चर हम किसको बोलते हैं, कि जो रेंज होता है, किसके बीच का रेंज होता है, कि जो भी पूरे मॉइस्चर हमने प्रोवाइड करा हुआ है वो, मतलब पूरा वाटर हमने जो प्रोवाइड किया और जितना वाटर उन्होंने यूज़ कर लिया है. ठीक है, तो बचा हुआ मॉइस्चर जो रहता है सॉइल में अवेलेबल फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड द ऑप्टिमम सॉइल मॉइस्चर रेंज फॉर प्लांट ग्रोथ. ओके,
So the upper limit of optimum soil moisture range is the filled capacity, which is ranges between 0.01 to 0.03 MPa, and the lower limit is just above the within wilting point, which is 1.5 MPa. ठीक है, तो ये क्या होता है आपको, पहली चीज़ तो ये है कि फिल्ड कैपेसिटी क्या होता है. ठीक है, सो वी ऑल नो दैट व्हाट इज़ द फिल्ड कैपेसिटी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सो हम कह सकते हैं, यू नो, द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट आफ्टर 2 to 3 days ऑफ इरिगेशन एंड आफ्टर द ड्रेनेज, ठीक है, ऑफ ग्रेविटेशनल वाटर हैज़ बिकम वेरी स्लो एंड सॉइल मॉइस्चर कंटेंट हैड कम रिलेटिवली स्टेबल. ठीक है, दैट इज कॉल्ड द फिल्ड कैपेसिटी. ओके, सो बेसिकली वी कैन से दैट एट द फिल्ड कैपेसिटी द लार्ज पोर्स इज फिल्ड विथ एयर एज वेल एज द मैक्रो पोर्स इज फिल्ड विथ एयर एंड द माइक्रो पोर्स आर फिल्ड विथ वाटर. दैट इज कॉल्ड द फिल्ड कैपेसिटी इन सॉइल. ओके, सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो हाईलाइट दैट लाइन, वॉट इज फिल्ड कैपेसिटी. ओके, एंड द सेकेंड क्वेश्चन अराइज फ्रॉम दैट लाइन, विच इज विल्टिंग पॉइंट. सो फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड वॉट इज विल्टिंग. ठीक है, या विल्टिंग कोफिशियंट क्या होता है, ये हमको पहले पता होना चाहिए. सो द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन अ रूट जोन एट द परमानेंट विल्टिंग ऑफ प्लांट इज कॉल्ड द विल्टिंग कोफिशियंट और क्रिटिकल मॉइस्चर पॉइंट. मतलब जिस अवस्था में या जिस सिचुएशन में कोई भी प्लांट का रूट जोन जो होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो परमानेंट मॉइस्चर अवेलेबल नहीं होता, मतलब पूरी तरह से ड्राई हो जाता है वो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं विल्टिंग पॉइंट है वो उस पौधे का. ठीक है, तो विल्टिंग का मतलब, विल्ट का मतलब ही होता है सूख जाना, सूखा. ठीक है, तो विल्टिंग पॉइंट क्या है, ये विल्टिंग कोफिशिएंट क्या होता है कि द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन द रूट जोन एंड द परमानेंट विल्टिंग ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द विल्टिंग कोफिशिएंट और क्रिटिकल मॉइस्चर पॉइंट और विल्टिंग पॉइंट ऑल्सो. ओके, सो प्लीज नोट दैट डेफिनेशन ऑल्सो. एंड वी हैव सम ऑब्जेक्टिव्स फॉर इरीगेशंस. So let us see, the objective of irrigation is to store the moisture in the soil between these limits. Okay, so क्या होता है objective? Immediately after irrigation, all the macro and micro pores will be filled with water. That is called the filled capacity. ठीक है, filled capacity की situation पे क्या होता है, जितने भी macro pores होते हैं वो क्या होते हैं, एयर के साथ, है ना, एयर के साथ फिल हो जाते हैं. और जो माइक्रो पोर्स होते हैं वो किसके साथ, वाटर के साथ फिल हो जाते हैं. किस पॉइंट पे, फिल्ड कैपेसिटी के पॉइंट पे. तो बेसिकली फिल्ड कैपेसिटी क्या होती है, फिल्ड कैपेसिटी ऐसा है जब हम 2 से 3 दिन बाद जब इरिगेशन दे लेते हैं प्लांट में, है ना, इरिगेशन या सॉइल मॉइस्चर कंटेंट हम प्रोवाइड करा देते हैं. ठीक है, उसके बाद जो इरिगेशन वाटर वो कंज्यूम कर लेते हैं या यूज़ कर लेते हैं. आफ्टर दैट जब हम ड्रेनेज करते हैं, ड्रेनेज मतलब जो एक्सेस वाटर होते हैं उनको आउटलेट करते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं, वो प्रोसेस होता है ड्रेनेज का. ठीक है, तो ड्रेनेज करते हैं तब जो ग्रेविटेशनल वाटर फ्लो होता है, ठीक है, वो बहुत ही स्लो होता है, स्लो होने लगता है. और जो सॉइल मॉइस्चर कंटेंट जो होता है वो क्या होता है, स्टेबल हो जाता है, मतलब कांस्टेंट पहुंच हो जाता है. तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं उस फील्ड की वो फील्ड कैपेसिटी है. क्यों, क्योंकि वो रिलेटिवली क्या हो गया, स्टेबल हो गया. ठीक है, तो वो होता है फील्ड कैपेसिटी. अब इस सिचुएशन पे, फील्ड कैपेसिटी के सिचुएशन पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको हमेशा याद रखना है कि फील्ड कैपेसिटी सिचुएशन पे द लार्ज पोर्स फिल्ड विथ एयर एंड द माइक्रो पोर्स आर फिल्ड विथ वाटर. ओके, तो दैट कंडीशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हैविंग द फील्ड विथ फील्ड कैपेसिटी ऑल्सो. ओके, सो ऑल द वाटर प्रेजेंट इन माइक्रो पोर्स विल ड्रेन टू सबसॉइल विद इन 48 hours and moisture in micropores will be available to plants. As the soil rises due to loss of water by evaporation and transpiration, the plants wilt during daytime to conserve moisture and become normal at night. So that point is a very important, the dry is due to loss of water by evaporation and evapotranspiration as well as transpiration. Transpiration, water loss through the
leaf surface area that is called the transpiration. And what is the evaporation? Evaporation, that means water losses through the soil, sorry, water losses from the soil surface area, that is called the evaporation. And evapotranspiration is what? Okay, so this is the very important. Evapotranspiration kya hota hai? The water losses from the soil surface as well as leaf surface area collectively or combines, they call that, you know, evapotranspiration. So always remember basically three terms, like transpiration, evaporation and evapotranspiration only. Okay, then when the soil conditions continues, the plant will wilt without dying. Okay, matlab wilt ho jata matlab मरते नहीं हैं, डाई नहीं होते, ठीक है, मरते नहीं हैं बट सूख जाते हैं, ठीक है. इस कंडीशन पे क्या होता है, जो मॉइस्चर प्रोवाइड नहीं हो पाता, जब विल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है कोई पॉइंट, मतलब रूट जो उनको क्या होता है, जो मॉइस्चर जो प्रोवाइड होते रहता है, मतलब वो बंद हो जाता है और रूट जोन एक परमानेंट विल्टिंग हो जाती है, ठीक है. उस सिचुएशन को हम क्रिटिकल मॉइस्चर पॉइंट बोलते हैं या विल्टिंग पॉइंट भी हम कह सकते हैं, ठीक है. सो सेम है दोनों, क्रिटिकल मॉइस्चर पॉइंट या क्रिटिकल विल्टिंग पॉइंट, बोथ आर वेरी सेम. और मैं आगे आपको बताऊंगी कि जो हर एक क्रॉप का एक क्रिटिकल स्टेज होता है फॉर द प्रोवाइडिंग वाटर और इरिगेशन, ठीक है. तो हर एक क्रॉप का एक अपना एक क्रिटिकल स्टेज होता है. कैसे, जैसे राइस है, राइस को बूटिंग या इनिशिएशन, क्रॉप इनिशिएशन के टाइम पे उनको वाटर बहुत ज़्यादा रिक्वायर होता है. वैसे वीट के क्रॉप पे क्या होता है, रूट इनिशिएशन जो होता है, CRI स्टेज बोलते हैं जिसको हम, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम अपने आगे लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है. तो आप अभी इतना समझ लीजिए कि विल्टिंग पॉइंट ये होता है कि उस सिचुएशन पे हमें रूट जोन जो होता है, सूखे की सिचुएशन पर पीक पॉइंट होता है, उसके पास मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होता, परमानेंट विल्टिंग हो जाती है, उस पॉइंट को हम विल्टिंग पॉइंट कहते हैं या विल्टिंग कोफिशियंट या क्रिटिकल मॉइस्चर पॉइंट कहते हैं, ठीक है. तो हमेशा याद रखना ये. फिर नेक्स्ट इज, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज विल्टिंग कोफिशियंट. जैसे मैंने बताया आपको, द इरीगेशन इज गिवन वेन एवर प्लांट रिक्वायर्स वाटर, दिस इज डिसाइडेड बाई द क्रॉप एंड सॉइल अपेयरेंस, ठीक है. अब हमको पानी कब देना है, ये तो हम सॉइल अपीयरेंस, मतलब सॉइल को देख के पता, अगर मिट्टी में जो अपर सरफेस ऑफ द सॉइल अगर सूखी है, मॉइस्चर नहीं है, क्रैक्स हो गए हैं, ठीक है, उस कंडीशन पे हमें इरिगेशन प्रोवाइड करना है अपने क्रॉप को. या तो हम क्या करेंगे, सॉइल अपीयरेंस, सॉइल को देख के समझ आएगा हमें, या फिर हम क्या करेंगे, क्रॉप को देख के समझ आएगा हमें. क्रॉप अगर हमें लीव्स जो है हमें विल्टिंग पॉइंट पे होती दिखाई पड़ेंगी, तो वो एक क्या होगा, एक मेजरमेंट होगा हमारा, या एक स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशन होगा हमारा कि अब हमें इस सिचुएशन के बाद वाटर प्रोवाइड करना है, मतलब सॉइल को और प्लांट को क्या चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, ठीक है. तो ये था हमारा इरिगेशन का जनरल इंट्रोडक्शन. ओके, सो आफ्टर दैट इरिगेशन मेथड, ये भी हमारे सिलेबस में है. सो वी हैव ब्रॉडली थ्री इरिगेशन मेथड, विद सरफेस, सब सरफेस एंड पेस्चराइज इरिगेशन मेथड. ओके, एंड देन क्राइटेरिया फॉर सेलेक्शन ऑफ इरिगेशन मेथड विच इज़ वाटर सप्लाई सोर्सेज, ठीक है, क्या क्या क्राइटेरिया है. देन द टोपोग्राफी, सो टोपोग्राफी इज वॉट, टोपोग्राफी इज द सॉइल इज हैविंग स्लोप लाइक दैट, यू नो, जो सॉइल है किस तरीके की स्लोप अपने पास रखती है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस टाइप का इरिगेशन मेथड यूज़ करना है उस एरिया के लिए, ठीक है. एंड देन आफ्टर द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी अप्लाइड, देन द क्रॉप, देन द मेथड ऑफ द कल्टीवेशन, कि हम कौन सा मेथड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस जो हैं किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए ले रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो डिपेंड फॉर द सिलेक्शन ऑफ इरीगेशन मेथड्स. ओके, सो दिस इज इनफ फॉर टुडे, एंड आई नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द इरीगेशन मेथड इन वेरी डिटेल. ओके, सो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू वेरी मच. And thank you for paying attention and listening very carefully. Thank you.